कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट पायदान पे हम लोग बिल्कुल हैं। जो आज पहली बार इस वीडियो को अगर देखते हैं या देख रहे हैं तो उनको बताते चलें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्डियन सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को लगभग हम लोग देख चुके हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो हमने इसको एक आज की डेट, आज वाले लेक्चर में पूरा पूरा हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे बात करेंगे, उसके कैसे किस तरीके से होता है और उसके क्वेश्चंस। आप पूरा लास्ट तक जाएं और रियल में आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ओरिजिन शिफ्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया है कि ओरिजिन इज शिफ्टेड एट एच कामा के, मतलब सिस्टम में इस सिस्टम को उठाकर हम लोग कहीं और ले जाएंगे। तो ये सब सिस्टम उठा के कहीं और ले जाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन भी कहीं और चला जाएगा। करके आ रहे हैं प्लेन में, मतलब इस बोर्ड को हम उठाएं और इस बोर्ड को कहीं और शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन शिफ्ट हो गया। तो जो पॉइंट एक्स का वाई है, ओल्ड कोऑर्डिनेट ये इसलिए बताया है कि पहले इसके रिस्पेक्ट में ये पी एक्स का वाई था। ओरिजिन अभी आपके सामने शिफ्ट करेंगे, हमने फिगर इसलिए नहीं बनाया जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, ये सारी बातें आपके सामने करेंगे। तो फिगर को आप जरूर ध्यान रखें। हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लेन लिया, प्लेन पे एक पॉइंट लिया, अब हम प्लेन को उठाकर शिफ्ट कर रहे हैं विदाउट रोटेशन एच कामा के पर। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा ऑफ डल दिखाएंगे कि हमने इस वाली एक्सिस को उठा के इधर कर दिया और इस वाली एक्सिस को उठा के यहाँ पे कर दिया। तो हमारा जो ओरिजिन ओडैस है वो एच कामा के पर कर दिया गया। अब ये पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो अभी यहाँ के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इतनी दूर था, इसके रिस्पेक्ट में ये आ गया, ठीक। जैसे कि आपका घर है, घर से आपका पुराना कोई स्टेशन है उसको शिफ्ट करके आपके आसपास कहीं और कर दिया जाता है, तो डिस्टेंस और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया गया कि प्लेन के ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, रोटेशन नहीं किया गया। ध्यान रखें रोटेशन नहीं हुआ है। अब हम लोग ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कहने का मतलब अब करना क्या है कि अब इसके रिस्पेक्ट में जो ओल्ड कोऑर्डिनेट थे अब न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, न्यू लोकेशन क्या हो जाएगी। मतलब हमें कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई के बारे में पता करना है कि अब इसके रिस्पेक्ट में इनको पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या किया जाए, क्या दिया जाए। तो देखें पहले हम लोग देखते हैं कि पहले एग्जिस्ट जो कर रहा था वो क्या था, ये डिस्टेंस को एक्स लिया गया था, ओके okay, और एच कामा के है कोई भी पॉइंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेक्टेंगल हमने बनाया है, तो ये रेक्टेंगल का ये साइड क्या है, एच है, और इस रेक्टेंगल का ये साइड क्या है, के है, याद ध्यान रखें। तो इतना पूरा हो गया एक्स और इतना हुआ एच, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये हुआ एक्स और ये हुआ एच, तो ये कितना हुआ, जवाब खुद आ गया होगा कि x माइनस एच, ओके। ये पूरा हमारा y है। अब एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमने यहां पर स्मॉल x स्मॉल y लिया है, यहां पे कैपिटल x कैपिटल y। ओल्ड कोऑर्डिनेट यानी पहले जब ओरिजिन था 0,0 पे उसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं वो स्मॉल x स्मॉल y है। जब ओरिजिन को हमने ओडैस पर शिफ्ट किया एच कामा के पर, तब हमने जो x और y लिए कैपिटल x और कैपिटल y है। तो ये स्मॉल एक्स यहाँ हो गया, ये डिस्टेंस हमारी क्या हुई के, क्योंकि ये पैरेलल एक रेखा है, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। देखिए ये पूरा वाई है और ये है के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इतना वाई माइनस के हो जाएगा। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बेसिकली देखें तो ये डिस्टेंस हमारी कैपिटल एक्स है, तभी तो इसको एक्स माना गया, इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स है, तो ये हो गई कैपिटल एक्स और ये क्या हो गई कैपिटल वाई। तो देखो कैपिटल एक्स बराबर क्या हुआ, स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई बराबर क्या हुआ, स्मॉल वाई माइनस के, या न्यू कोऑर्डिनेट को ओल्ड कोऑर्डिनेट से रिलेट किया गया, स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है। ये रिलेशन लाया, ये हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं जो पहले थे, ध्यान दें
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमारे न्यू कोऑर्डिनेट है, आपको ध्यान देना है इस बात को, मतलब ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद आए हैं। और एच कमा के ओरिजिन शिफ्टेड एट एच कमा के, इतना आपको क्लियर आ गया होगा अगर आपने पूरा देखा होगा। अगर ये बात आ गई है तो सारे क्वेश्चंस फटाफट होंगे, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी, एक बार आप इसको पक्का कर लें, क्योंकि इसमें अगर दिक्कत रही तो आप आगे समस्या आपको आएगी। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कामा के क्या है, क्या कर रहे हैं, ओरिजिन शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये सारी बातें अभी एक बार समझ लें, फिर आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जब तक कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आप सीखें और उसका प्रैक्टिकल ना करें, मतलब उसका क्वेश्चन ना करें, वो कॉन्सेप्ट अधूरा होता है। तो इसीलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप इसको ध्यान दें। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, 2, व्हाट वुड बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4, 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहूँगा, आपका जो रीडिंग कैपेसिटी है, स्किल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस का मतलब आपको आना चाहिए, अगर नहीं है तो आर डाल लें, कौन बात किससे रिलेट हो रही है और किस बात में रिगार्ड्स में बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। फिर आपका ज्योमेट्री पोर्शन, फिगर बनाएंगे, देन आफ्टर आप एल्जेब्रिक पोर्शन पे आएंगे। ये तीन बेसिक टर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिनको आप एकदम की नोट्स बना लें। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मावला क्लासेस के साथ पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो इन तीनों बातों को भी ध्यान रखें, यही शॉर्टकट है, यही ट्रिक्स है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, निकालना में बेसिकली क्या है, एच कामा के ओरिजिन जहां पर शिफ्ट किया गया है, 0, 0 से एच कामा के पे शिफ्ट किया गया। अब देखिए शिफ्टेड नहीं, थोड़ा सा देखिए यहाँ ये निकालना नहीं है, अभी ठीक आ जाते हैं। ये 3, 2 दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक, दूर आया दुरुस्त आए जो बोलते हैं, ठीक है, हमने अपनी गलती को सुधार लिया, आप भी सुधार लें अगर कभी ऐसे हो। एच कामा के की जगह क्या दिया गया, 2, 3, 2 ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। व्हाट वुड बी, होंगे, इंग्लिश अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, होंगे विद द न्यू कोऑर्डिनेट, यानी न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो न्यू मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये आपको बताने हैं। और ऑफ द पॉइंट इसके, यानी पॉइंट जो ओल्ड कोऑर्डिनेट थे वो 4, 3 यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। ज्योमेट्रिकली यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, इसको अप्लाई करना है हमें। कैपिटल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस एच, स्मॉल एक्स कितना दिया गया 4, एच कितना दिया गया 3, कितना आ गया 1, कैपिटल वाई बराबर सिमिलरली स्मॉल वाई माइनस के, स्मॉल वाई कितना है 3 माइनस के 2 दैट इज 1। ओल्ड कोऑर्डिनेट दिए गए थे, न्यू कोऑर्डिनेट निकालने थे, वो क्या आ गए 1, 1, यही आपका आंसर बन गया, बहुत ही ईजी है, कोई भी परेशानी समस्या नहीं है, ठीक। कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन से ये पक्का हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या था और क्वेश्चंस भी लगाने लायक हो गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं और ज्योमेट्रिकली भी बताते हैं, वहाँ पर हमने फॉर्मूले से बताया था, ज्योमेट्रिकली बताया जिससे कि आप दोनों तरीके से बिल्कुल ज्योमेट्री में भी कंफर्टेबल हो जाएं, फॉर्मूले में भी, दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, वर 5, 6, वर मतलब थे, ओल्ड कोऑर्डिनेट थे। आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी चेंज टू 8, 7, यानी कि पहले क्या थे 5, 6, बाद में क्या हो गए 8, 7, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए गए, न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए गए। अब आपको ऑब्वियसली पता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन इज शिफ्टेड एट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग शिफ्टेड एट किस पॉइंट पर शिफ्ट किए गए। चलिए लोगो हम ज्योमेट्री के वाइज देखते हैं, थोड़ा सा फिगर हमने पहले बना के रखा है जिससे कि टाइम आपका बचे। 5, 6 प्लेन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस की अलॉन्ग 5 यूनिट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 6 यूनिट, रेक्टेंगुलरली जाएंगे हम लोग 5, 6। ये ओल्ड थे, ओल्ड कोऑर्डिनेट पहले वाले। न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा 8, 7, मतलब यहाँ से थोड़ा और बढ़े, 3 यूनिट और बढ़ गए 8,
और एक यूनिट उससे और ऊपर गए, 7 ये आ गए। अब देखिए बात समझने वाली बात है कि हमारा एक्स जो था पहले, उसके बाद बाद में एक्स हमारा बढ़ गया, यानी ओरिजिन अगर उसके पास गया होता तो कम हो जाता, बड़ा है इसका मतलब ओरिजिन क्या चला गया, दूर चला गया, कितना बड़ा, 3 यूनिट। तो ओरिजिन कितना बैक होगा, 1, 2 और 3, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गए, समझ में आई बात कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो गिनती गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी 5 ना होगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें भी एक की बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब एक नीचे क्या हुआ, 6 था डाउन हो गया, यहाँ चला गया, ओके, मतलब नया हमारा ओरिजिन कहाँ, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। अब देखिए इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना पीछे आए, -3, और कितना नीचे आया, -1। फॉर्मूले से अब ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इस एच कामा के यही है, यही क्या है, तो अभी तो हमने ज्योमेट्री से देखा, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको बताया गया है, जो चीज़ें हैं आपको एक्सप्लेन की गई, बार बार एक्सप्लेन करने से आप भी इरिटेट होंगे, समय बर्बाद होगा। एच कामा के निकालना सीधे है, हम लोग ओल्ड और न्यू रखते हैं, ओल्ड हमारे पास कितना है, 5, कितना है 5, माइनस न्यू कितना है 8, तो कितना आया, -3। देखिए टैली हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। स्मॉल वाई कितना है, 6, कैपिटल वाई कितना है, 7, कितना हुआ, -1, ये भी टैली हो गया। फार्मूले से आप लगाएं और ज्योमेट्री देखिए ऐसा है कि फार्मूले से कभी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, फार्मूला लगा दीजिए। ज्योमेट्री से आप क्या है उसको समझ, जब आप कोई ज्योमेट्री बना रहे होंगे, ट्राइंगल को शिफ्ट किया जाएगा, फिगर को शिफ्ट किया जाएगा, तो आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन को शिफ्ट किया जाएगा तो समझ पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वाकई में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे धीमे धीमे जाएंगे तब आपको इन सब चीज़ों की बात समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो जो लोग लास्ट तक गए हैं उन्होंने पेशेंस रखा, ये टॉपिक थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, वे तभी आएंगे जब आप एक बार हाईली डेडिकेट होकर समय देंगे, ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप निरंतर कंटिन्यू ऐसे ही प्रयास करते रहिए, हम लोग माना ही है कि आप प्रयास करें ना करें, सो हमने कमिटमेंट ले लिया, दैट्स मीन्स मारुलाज कमिटमेंट, तो ये पूरा होगा। हम लोग लास्ट तक ग्रेजुअली बहुत ही आराम से धीमे धीमे लास्ट तक चलते चले जाएंगे और लास्ट तक सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आप भी बिल्कुल लास्ट तक जाइए, कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको देंगे, आपको वो करने होंगे और उनको आप पक्का कर लीजिए। अगर आपको एश्योर करना है तो आप कमेंट्स में उन आंसर्स को दीजिए। बहुत सारे और लोगों से हम अपील करते हैं कि अगर कोई कमेंट्स करता है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि अगर हम कमेंट करें, कमेंट इन द सेंस आंसर्स दें, तो वो उसको टैली कर दिया जाए, कन्वे कर दिया जाए कि सही है गलत है। तो अगर हमारी साइड से, मारुला क्लासेस की साइड से कोई कन्फर्मेशन नहीं आता है, तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो आप उसको टैली कर सकते हो, इससे आप आपस में माहौल बनाओगे तो अच्छा रहेगा, तो कुछ हम और सोचेंगे, तो कुछ नया आप भी क्रिएटिव लाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है उस पर आधारित क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए, जो पहले से देखते रहते हैं उनको पता है ये बात, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लें और इनको सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो आप डाउट व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं या यहीं पर कमेंट करें, बहुत सारे और लोग भी हैं, वो लोग जुड़े हैं और उनके जो भी जिसका अगर डाउट है तो जो सॉल्व कर सकता है करे भाई, बहुत सारे चीज़ों को आपको भी मैनेज करने पड़ेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया है, जो एक दो जिन्होंने भी दिया है बहुत काबिले तारीफ़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप इस तरीके से रिस्पॉन्स करते, बाकी सारे लोग भी थोड़ा सा जाग जाओ भाई,